ओ स्नो, बादल और हम तो आज हम लोग आपको बहुत सारे लोग जो है पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मिस्टर हस्बैंड मिस्टर सीक्रेट वाइफ मैन मिस्टर ये पगला गया है लॉकडाउन के चक्कर में. तो आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट लॉकडाउन. तो लॉकडाउन तो हम लोग अभी अच्छा तो और हम लोग तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और आप लोगों को एक तो बहुत स्नो वाला, बादल वाला, थोड़ी सी सनलाइट वाला जर्मनी बताने वाले. समझ रहे हो आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा. उसके अलावा आप लोग हमसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट लॉकडाउन क्या है, एक्सटेंड हुआ या नहीं, तो उसके बारे में बताएं. करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं. और बात मत पूछो क्योंकि हम लोग हो चुके हैं बहुत परेशान. हम चाहते हैं कि ये सब जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए पर हो नहीं रही. चलो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम लोग जाना चाहते हैं बाहर और आपको भी दिखाना चाहते हैं और ऐसे रूल्स बताना चाहते हैं जिसके चक्कर में हम बहुत ही कम डिस्टेंस पे जा सकते हैं. तो चलो लेट्स गो. क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ सुपरमार्केट में शॉप करने के लिए बेवजह नहीं जा सकते हैं. तो बोल देंगे कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करने ही जा रहे हैं. झोला है तेरे पास है तो झोला. बाहर तो नहीं है जरूरी पर अच्छा एडवेंचर. और ये सब लोग क्या पागल है? पागल नहीं है पर उतने क्राउड नहीं है जितना होना चाहिए ना. लोग शॉपिंग कर फिर भी लोग घूम रहा है, मुझे दिख रहा है फोकट घूमते हुए. घूमेंगे तो है नहीं तो पागल हो जाएंगे. सो दीपक अंदर गया है जब तक. हाँ हाँ और यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग अलाउड हैं इस कॉफ़ी शॉप में. और हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं बिकॉज ऑफ ठंड हम सबसे पहले कॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद ही अपना जो सफ़र है वो तैयार करते हैं. क्या हुआ? कॉफ़ी खत्म हो गई इनको. कॉफ़ी ही ख़त्म हो गई है. लो व्हाट अ प्लान. सो घूमते घूमते जो बात पता नहीं थी वो भी पता चल गई कि कॉफ़ी शॉप्स भी यहाँ पर सैटरडे के दिन 1 बजे बंद हो रही है. हाँ मैक्सिमम शॉप्स बंद हो रही हैं आफ्टरनून में. हाँ तो हम लोगों को कॉफ़ी कहाँ से मिलेगी आई डोंट नो. फिर भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगी. मिलेगी इस पे मिलेगी शायद. फाइनली हमें एक शॉप पे कॉफ़ी मिल गई है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फेवरेट प्लेस और वहाँ पर आगे की चीज़ें बताते हैं आपको. शेयर सब तक.
वाओ, मतलब नहीं पता कितनी भी बार स्नो देख लूं पर वही फील आता है, और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। सो अभी क्या है ना, ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आसपास, वहां पर स्नो जमी हुई है, पिघली नहीं है। देखो क्या टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर तो -1-2 है कुछ। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा पीछे, तो हो रहा। हाँ तो लॉकडाउन के चलते आप सिर्फ 15 किलोमीटर के डायमीटर में जा सकते हो ना, राइट। और पहले जो रूल्स थे उससे और भी टाइट रूल हो गए हैं, लाइक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, लाइक सिर्फ आप एक जन से ही मिल सकते हो, तो दैट मीन्स कि आप किसी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि कम से कम दो लोग तो जाते ही हैं मिलने के लिए। तो एक फैमिली है अगर, और उसके अलावा सिर्फ आप एक ही जन से मिल सकते हैं, फैमिली के अलावा बाहर से सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है। हाँ, तो लाइक हम तो फिर मतलब किसी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जनरली कपल्स हैं, और ऑब्वियसली उनके साथ मिलना मतलब नहीं मिल सकते। तो थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल हुए, रीजन क्या है दीपक उसका? नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। हाँ, यहाँ पर लाइक थ्री या टू वीक्स पहले जो डेथ रेट है पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ था। कितने डेथ हुए थे दीपक उस दिन? मोर देन 1000 लोग मरे थे एक दिन में यार, 30 दिसंबर को शायद। हाँ, तो ये मतलब कभी भी जर्मनी में नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। और केसेस भी इंक्रीज हो रहे थे, 30,000 से 17,000 कुछ रीच हो गए थे, जो इनके लिए बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसी के चलते फिर से लॉकडाउन, और इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स डाले हैं उन्होंने, मतलब कि आप बिना किसी रीजन से 8 बजे के बाद तो आप निकल ही नहीं सकते। पहले तो फिर भी लोग घूम रहे थे, और सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ें हैं वही ओपन है, स्कूल्स वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, बहुत कम लोग मिल सकते हैं, बाहर भी ज़्यादा लोग ग्रुप में नहीं रह सकते, मास्क लगाने तो मैंडेटरी है ही हैं, मतलब चलो पहले तो फिर भी इतना लोग ध्यान नहीं रहे, कुछ जगह तो इवन बाहर भी, कुछ सिटीज में बाहर भी मास्क लगाना कंपलसरी किया हुआ है मार्केट में, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है अभी। और कुछ सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट नहीं है लॉकडाउन केसेस, लाइक स्कूल्स ओपन है कुछ सिटीज में, कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में, आई वुड नॉट से द सिटी, स्टेट्स में। तो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, तो अगर आप आने वाले हो तो आप किस स्टेट पे आ रहे हो देख लो वहाँ के रूल्स क्या है। पर अगर मैं ओवरऑल जर्मनी की बात करूं तो लॉकडाउन जो है वो 31 जनवरी तक है। ये मैंने लिया है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी के साथ, ब्रेटसेल बोलते हैं, और ये तो इसके ऊपर तिल है, ये एक टर्किश स्पेशलिटी है, मतलब जो सर्दियों में बेसिकली अच्छा, मतलब तिल तो हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है, तो ये एक वन ऑफ द आइटम है जो ब्रेकफास्ट में लोग कॉफ़ी के साथ खा लेते हैं चलते फिरते, तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप सोच रहे हो ठंड है क्या, तो हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जब डार्क दिखता है तो इतनी ठंड नहीं लगती, पर अभी डार्क नहीं है तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और अभी मतलब अभी इन द सेंस की कल या परसों मैंने स्टेटमेंट सुना एंजेला मार्केल का, तो ऑब्वियसली उनका रीज़न यही है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का, कि ताकि लोग एटलीस्ट समर में और आने वाले टाइम में एंजॉय कर सकें। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा लोकल लोगों तक आने में, और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, डेथ रेट ज़्यादा हो गया है ये नए वाले स्ट्रेन की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है चीज़ें स्ट्रिक्ट करने का लॉकडाउन का, लेकिन होपफुली समर अच्छी कटेगी हमारी शायद। नेक्स्ट रूल दीपक, नेक्स्ट रूल ये है, क्या है नेक्स्ट रूल?
आई थिंक जो हमने पहले वीडियो दिखाया था वो ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, उसके अलावा बस यही है कि आप फालतू घूम नहीं सकते हो। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और अब तो हो गया डिप्रेशन भी है लाइफ में, तो दिमाग खराब हो रहा है अब ना कहीं बाहर जाने के बचे, घर में घुसे घुसे कितनी, और मूवीज भी रिलीज नहीं हो रही भाई। कोई कोई अच्छी मूवी हो तो रिकमेंड कर देना प्लीज। नहीं चल कमेंट मूवी नहीं दिख रही, कोई सीरीज भी नहीं दिख रही, नहीं सी आश्रम वाला तो अच्छा है। पर एक्चुअली ऐसे ही होता था ना पहले स्नो का माहौल जर्मनी में, और क्या पहले तो बहुत, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का भला हो कि थोड़ी गर्मी होने लगी। दीपक मजा आ रहा है क्या तुझे स्नो? अच्छी लग रही है, पतली पतली सी स्नो, ये देखो ऐसी रुई जैसी होती है ना, मखमली सी बिल्कुल कुछ नहीं, ये देखना कैसी कैसी होती है। जिन्होंने नहीं देखी उनको दिखा रहा हूँ, नहीं तो लोग कमेंट करेंगे कि ये क्या दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं भाई दुनिया में जिन्होंने स्नो नहीं देखी, हिंदुस्तान में ऐसी होती है रुई। खा ले चीज़, चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो कोरोना की बॉटल किसी ने कैसे फंसा रखी है। हो रही है तगड़ी वाली, हाथ बाहर निकाले नहीं जा रहे, कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पीछे का मौसम देखो ऐसा बहुत अच्छा है, इधर से स्नो पूरे में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करोगे आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ड्रोन शॉट्स कैसे लग रहे हैं जरूर नीचे कमेंट करना। हमारी थोड़ी सी कोशिश आपको जर्मनी भी दिखाने का प्लस यहाँ की चीज़ें बताने का, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करो। मतलब आपको सिर्फ तीन ही चीज़ करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल, और उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हम इतने ठंड में लिटरली हाथ लाल हो गए, हालत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी जस्ट आप लोगों के लिए प्लस हम लोगों के लिए भी, हमें भी अच्छा लगता है, वी आर डूइंग दिस, तो लेट्स कीप इट कंटिन्यू। और चलो हम बनाते रहेंगे वीडियोस और भी, जैसे जैसे सिचुएशन होगी आपको बताते रहेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे वेदर चेंज होगा आपको दिखाएंगे, कैसे कलर चेंज होंगे, कैसे चीज़ें मतलब देखने में भी विजुअली समझ में आएंगी कि हाँ विंटर जा रही है। दीपक जब अभी कुछ दो तीन महीने पहले हमने ऑटम का वीडियो बनाया था तो कितना कलरफुल था, यही जगह थी वो, और आज यहीं पर सब जगह वाइट वाइट स्नो दिख रही है पेड़ पे, इतना मतलब इतना ईजली आपको एक मौसम तो दूसरा मौसम यहाँ पर दिखता है, विच फील्स रियली नाइस, बट अगेन तो फिर सी यू, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी हाँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा उसके बारे में कमेंट करना, और लाइक करे बिना कोई नहीं जा सकता यहाँ से, और सब्सक्राइब करे बिना, और बाकी हम तो आपको मिलते ही रहेंगे। बाय बाय, लोहिया डांट से बंद रही है भाई।